जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा। इसीलिए स्वर वेद ने कहा, इंद्रिय मन वाणी असना संत संयमी होए। कैसे संयम करता है अपने शरीर पर, अपने मन पर और अपने इंद्रियों पर, कितना अद्भुत संयम होता है। संयम आत्म होत महाना, संयम से आत्मा महान होती है। इस प्रकार का अद्भुत कंट्रोल उसको अपने शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर और इंद्रियों पर होता है, वह संयमी होता है। उसका मन आत्मा के नियंत्रण में है, उसका मन आत्मिक शक्ति के प्रभाव में है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का वह सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया है। और जिस भी व्यक्ति ने इस आंतरिक आवाज को, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, उसका कार्य धर्म का पर्याय बन जाता है। तो विहंगम योग यही कहता है, प्यारे शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए संयम के द्वारा, योग युक्ति के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जीवन यापन करिए। और इंद्रियों से परे जो पदार्थ हैं उसका अनुभव करिए। इसी शरीर में रहते हुए इंद्रियों से परे जो पदार्थ हैं उसका अनुभव प्राप्त करिए, उसका ज्ञान प्राप्त करिए। इसीलिए स्वर वेद ने कहा, शब्द सने ही मैं जगा, भूमि सने ही माय। मेरा आधार तो आत्मिक आधार है, मैं आत्मा की भूमि में स्थित हूं, प्रतिष्ठित हूं। आत्मा क्या वस्तु है इसका साक्षात्कार है, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आत्मा के प्रत्यक्ष में ये चित्त अनावश्यक है, ये मन अनावश्यक है, ये विषय अनावश्यक है। आत्मा का प्रत्यक्ष स्वयं आत्मा के द्वारा होता है। तब हमारी चेतना उस विशेष मंडल में स्थिर हो जाती है, स्थित हो जाती है। तब हमें स्वयं का बोध होता है। अभी तो चेतना चेतना शरीर तक सीमित है, अभी चेतना चेतना शरीर तक सीमित है, इंद्रियों तक सीमित है और मन अपने प्रभाव से इंद्रियों की शक्ति का उपयोग कर रहा है। तो किस प्रकार इस शक्ति को अंतर्मुख किया जाए, जो शक्ति बाहर में जा रही है किस प्रकार से उस शक्ति को हम अंतर्मुखी करें। क्योंकि मन में अद्भुत शक्ति है, मन ए मनुष्य अड़ाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन अपूर्व शक्ति वाला है, ये जीव के बंधन का कारण है और यही जीव के मोक्ष का भी कारण है। हाँ, ये जीव के बंधन का कारण है और ये जीव के मोक्ष का भी कारण बन जाता है।
बंधन का कारण है, जब ये अशांत है, अनियंत्रित है, असंयमित है। और यही मन जब आत्मा के अनुकूल हो जाता है, आत्मिक शक्ति के प्रवाह में नियंत्रित हो जाता है, तब यह जीव के मोक्ष के कल्याण का साधन बन जाता है। इसलिए बारंबार इस मन को साधने, इस मन को नियंत्रित करने का संदेश हमारे ऋषियों ने, संतों ने दिया है। इस मन को आप नियंत्रित करिए, इस मन को आप संयमित करिए, इस मन को साधिए। बराबर संदेश ऋषियों का, संतों का यही रहा है आदिकाल से। हमारे देश, आर्यावर्त देश भारत में संतों ऋषियों का यही संदेश रहा है। और विहंगम योग का साधक एक ऐसी उच्च भूमि को भी प्राप्त कर लेता है, जब मन और प्राण को उसके मूल उत्पत्ति स्थान में लय कर देता है, मनोलय कर देता है, जहां से ये उत्पन्न होते हैं। वहीं पर ये लीन भी होते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या का विषय है, ये विहंगम योग का विषय है। किस प्रकार से हम चेतना को उस मंडल में स्थित करें, मंडल से बाहर भी नहीं जाना है। जब आत्मा की चेतन किरण सुरति मंडल से बाहर चली जाती है, तो बड़ी अशांति की अनुभूति साधक करता है। आत्मा की जो चेतन किरण है सुरति, वो अपने मंडल में रहे। जो उसका मंडल चेतन दिव्य मंडल है, उसी मंडल में आत्मा की जो चेतन किरण है सुरति, उसी में रहे। सुरति स्वतंत्र होकर अगर मंडल से बाहर जाएगी, तो फिर वो भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकाना निशान, मंडल से बाहर नहीं। आत्मा की जो चेतन किरण है, जिसे सुरति कहते हैं, जो सूक्ष्म होकर निरति बन जाती है, सप्त सुरति ब्रह्मांड के माही, चेतन अष्टम निज घर जाही। तो चेतन अष्टम सुरति, उसी को निरति कहा स्वरवेद ने। तो अपने मंडल में रहे, आत्मा की जो चेतन किरण सुरति है, वो अपने मंडल में स्थित होकर अनुभव के लिए प्रयत्न करे, वो मंडल से बाहर ना जाए। ये बड़ा आश्चर्यमय संकेत स्वरवेद का है, विहंगम योग का है। जब सुरति अपने मंडल में है, तो वह अत्यंत आनंद का अनुभव करता है साधक। मायु बादल बरसती सहस फुआरा धार, तन मन आत्म भीजता शीतल शांति सुधार। जब मायु का बादल, मेघ अपनी शक्ति को प्रकट करता है, तो सहस्त्र फुहारों से ये तन, ये मन और ये आत्मा, ये भीग जाती है। अद्भुत शीतलता और शांति की प्राप्ति साधक करता है। आत्मा उस सोमरस के पान से तृप्त हो जाती है, मुग्ध हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। उस सोम रस के पान से आत्मा अत्यंत आनंद का अनुभव करती है, अत्यंत शीतलता, अत्यंत शांति का अनुभव वह आत्मा प्राप्त करती है। व्रत भंग नहीं हो सके,
धर्म छोड़ नहीं साथ। सद्गुरुदेव कहते हैं व्रत भंग नहीं हो सके, धर्म छोड़ नहीं साथ, भक्ति तार टूटे नहीं संत प्रबुद्ध सनात। ये भक्ति का वह जो तार है लगातार अनवरत बना रहे, ये व्रत भंग ना हो जाए। सुरति अपने धर्म से बिलग ना हो जाए। और वह संत बड़ा ही प्रबुद्ध है, सद्गुरु ने कहा सनाथ है। सनाथ कब है? जब उसकी चेतना प्रकृति मंडल से ऊपर हो जाती है तब सनाथ कहा जाता है, नहीं तो वह अनाथ होता है। जब प्रकृति की सीमा में वह साधक विचरण करता रहता है मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, तो स्वरवेद ने कहा वह अनाथ है। और जब उसकी चेतना प्रकृति से परे हो जाती है तब वह संत सनाथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति एक विशेष दिव्य मंडल से ओतप्रोत हो जाती है। उसकी अणु चेतना, उस विभू चेतना व्यापक परमात्मा ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है तो वो सनाथ होता है। अगर केवल प्रकृति में विचरण कर रहा है, मन बुद्धि इंद्रियों के क्षेत्र में है, स्वयं का बोध नहीं, तो वो अनाथ है। स्वरवेद ने कहा है योगी तो सनाथ होता है। योगी अपनी चेतना को, अपनी आत्मा की चेतन किरण को उस विशेष केंद्र, उस विशेष मंडल में स्थित कर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। और यह भक्ति एक तार लगातार बनी रहती है। भजन भजन आंतरिक प्रक्रिया है, ये की नहीं जाती, ये स्वतः घटित होती है। भजन तो होता है अपने अपने विशेष मंडल में। आत्मा की चेतना, जब आत्मिक चेतना की किरण उस आधार से उपरम हो जाती है, इस प्रकार का यह दिव्य संदेश हमें स्वरवेद में प्राप्त होता है। विश्व के किसी भी साहित्य में इस तरह का बोध, इस तरह का ज्ञान, इस तरह का अनुभव व्यक्त नहीं हुआ है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को इसमें अभिव्यक्त किया है, उनके साधनात्मक अनुभव इसमें अभिव्यक्त हुए। जिन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को सद्गुरुदेव ने स्पर्श किया है वो बड़ा ही अद्भुत अलौकिक कुछ भी अध्यात्म के क्षेत्र में उन्हें अनुभव प्राप्त हुए, अध्यात्म का सर्वस्व ज्ञान प्राप्त हुआ और उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस आनंद को उन्होंने स्वरवेद में लिपिबद्ध किया है, जिसे सुनकर, इसे समझकर हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है। स्वरवेद में वो ताकत है, वो शक्ति है। ऐसे अनेक साधक हैं ब्रह्मविद्या विहंगम योग के, जब स्वरवेद को पढ़ते हैं उनके अंदर कंपन होता है, थर्राहट होती है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है, ऊर्ध्वमुखी होती है उनकी चेतना। ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है, अनेक साधकों के अनुभव हैं, क्योंकि
ये शब्द चोट करते हैं, भीतर में चोट करते हैं और आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। शक्ति का जागरण होता है, यह इसका प्रभाव है। शुद्ध संस्कार आत्माओं के अंदर ये अद्भुत विशेष रूप से कार्य करता है। जो शुद्ध आत्माएं हैं, संस्कारी आत्माएं हैं, वे तुरंत इसको पकड़ लेती है और उनको तो इतना अधिक आनंद मिलता है कि उसका वर्णन वाणी के द्वारा क्या होगा। वो साधक स्वयं उसको अनुभूत करता है। जो आत्माएं शुद्ध हैं, संस्कारी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं हैं, उनके कल्याण का मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त हो जाता है। स्वर वेद के स्वरों को पकड़कर, इसके सिद्धांत को समझकर इस पथ में सदैव लगे रहते हैं, सदैव इस दिव्य महापथ पर स्थिर होकर साधन अभ्यास भजन में लीन रहते हैं, क्योंकि वे आत्माएं शुद्ध संस्कारी आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। उनका विवेक जागृत है, वे अविद्या में नहीं है, अंधकार में नहीं है। उन्होंने विवेक को जागृत किया है और जिनका विवेक जागृत है वे ही इस अत्यंत आनंद को प्राप्त करते। वे ही मन और प्राण को उसकी भूमि में लीन करते हैं और स्वयं में स्थित होकर उस परमानंद का आनंद ज्ञान अनुभव प्राप्त करते। सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 09956118770, 05322567204, 05322009448।